नमस्कार जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ रोहित महाजन। जिदा जिदा सियासी गर्मियां ने उस तरह इलैक्शनों का जोर भी पूरा चल रहा है। गल होगी बॉर्डर के हल्कों की, इलैक्शनों के दिन ने तो बॉर्डर हल्के कितना पिछे रह सकते हैं, खासकर जो गल हो हॉट सीट की। हॉट सीट इस समय दीनानगर हल्का की कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी जी, जो कि एक बार फिर तो चोन मैदान के ने, और नाल दे नाल इस समय इतों बीजेपी, आम आदमी पार्टी ते लगातार होर जिहड़े श्रोमणी अकाली दल तो भी उम्मीदवार चोन मैदान दे विच ने। पर गल होवेगी अज आम जनता दी की राय बनती है। कैबिनेट मंत्री जो कि डोर टू डोर प्रचार कर रहे ने, लोगों के काम क्योंकि जिहड़े कीते होए ने उन्हां नूं वोटां पैणगियां। सब तो पहले असीं इस समय जिहड़ा बॉर्डर एरिया दे जिहड़े पिंड लगते हैं उत्थे मौजूद हाँ। ये अजिहे पिंड जिथे विकास कार्यां दी गल होवे तां दौड़ दे विच किते पिछे नहीं। ये तस्वीर जिहड़ी तुसी देख रहे हो जिम दे विच बच्चे ओपन जिम्स ने, ओपन पार्क बने ने, जो कि शायद अज तो पहले पिंडां दे विच नहीं सी देखण नूं मिलदे। ये बच्चों लई तां बहुत वधिया गल है, नाल दे नाल बजुर्ग लोगों के बैठने लई भी इत्थे बहुत सारियां सुविधावां ने, क्योंकि ये कुछ समा पहले जिहड़े काम जिहड़े इत्थे होए ने, और असल दे विच विकास जिहड़े दीनानगर हल्के दे ग्राउंड लैवल ते भी देखण नूं मिलदे ने। अज विशेष गलबात करांगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दे विच कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी जी, उन्हां को जानदे आ। इलैक्शन नज़दीक ने, दौड़ लगी हुई है। सब तो पहले मैम स्वागत है ताड़ा दैनिक सवेरा टीवी। थैंक यू। सब तो पहला एक सवाल कि लोगों को तुसी जा रहे हो पिंड डोर टू डोर जिस तरह प्रचार चल रहा है, की रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो बहुत सारे साड़ियाँ टीम्स ने जड़ियाँ डोर टू डोर जा रही ने, लेकिन मैं हर पिंड दे विच एक नुक्कड़ मीटिंग कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, बहुत अच्छी कंपेनिंग चल रही है। मैं समझदी हाँ कि लोग खुश ने, क्योंकि असी काफ़ी कम कराए ने, पिंडा दे विच भी काफ़ी कम हुए ने कम। मैडम असी देख रहे हैं विकास जिस तरीके ना, बच्चे जिम्स दे विच ओपन जिम्स बनिया ने, बच्चों लिए पार्क वधिया बने ने, शायद अज तो पहले पिंडा च नहीं भी होंदे सी, पर ग्राउंड लैवल ते जदों ये रिपोर्ट देखते हैं तो खुशी भी होंदी है, क्योंकि लोग भी अजिहियां उम्मीदां ही करदे ने कि इस तरह दीआं फैसिलिटीआं लगातार होर कामकार होंदे रहन। एक सवाल मैडम, अज आम आदमी पार्टी दे वल्लों जिहड़ा कैंडीडेट्स ने जां दीनानगर हल्के दी आपां गल करदे आं उम्मीदवार ने, शब्दी वार जिहड़े बड़े शुरू हो गए ने, इहनूं किद्दां वेखदे हो तुसीं? देखो हर इलैक्शन दी कुछ मान मर्यादा हुंदी है। सो मेरे मुकाबले च जिहड़े इलैक्शन लड़ रहे ने सारे ही कैंडीडेट्स, वह सारे ही फस्ट टाइमर ने, नवे आए हैं। सो उन्हां नूं शायद भाषा दी और तरीका जड़ा सलीका है इलेक्शन लड़न दा, ओदे उन्हानु ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इमैच्योर है। सो इस तरह की बिना सोचे समझे गल्लां कर रहे ने कि लोगों नु सब दिखता है जी, वो कहिंदे जी इत्थे काम कोई नहीं होया। सो लोग जिन्हानु दिख रहा काम तो उन्हानु तो पता है किन्ने काम किया। सो इस तरह दी चीज़ां, नैगेटिव पॉलिटिक्स मैं कभी की नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। मैं अपने किए हुए कम्मां नूं लै के लोगों के जा रही हूँ, और वोट की मैं उन्होंने मंग रही हूँ वोटा। सो इस वोट की अपील भी कर रही हूँ हर जगह जाके, लेकिन इस तरह है कि अपनी झूठा प्रचार जड़ा है वो नहीं करना चाहिए, लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। लोग अजकल वोटर बहुत सियाना है जी, वोटर नूं सब कुछ पता है कि कौन किसने की कुछ किया है। सारी मेरी कारगुजारी जी पिछले सालों च रही है बहुत एक ट्रांसपेरेंट जी रही है, पारदर्शी तरीके असी काम करते हैं। सो लोगों को पता है वोटर बहुत सियाना है। सो उन्हें फैसला करना कि सिर्फ झूठे प्रचार नाल लोगों ने फैसला नहीं करना, लोगों ने असली जो काम कर सकता है उन्हें ही देख के वोट का इस्तेमाल करना। सो कल जो फैसला किया गया पार्टी हाईकमांड वालों, और कल सीएम फेस जो पंजाब की गल हो चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो अनाउंस किया गया, इस फैसले को कितना देखते हो पार्टी हाईकमांड? देखो चरणजीत सिंह चन्नी जी ने सिर्फ 111 दिन मिले से, सो उन्हें 111 दिनों के ही उन्होंने 100 फैसले लोक हित दे करके लोगों को अपना जो है अपना मुरीद बना लिया जी। सो लोग इस चीज़ को समझते ने, और उन्होंने दिखता है कि चरणजीत सिंह चन्नी अगर 111 दिनों के इन्ने लोक हित के फैसले कर सकते हैं, सो उन्होंने 5 साल का समय जरूर मिलना चाहिए। सो इस करके लोगों च बहुत अच्छा रिस्पोंस है। कल सारे दीनानगर विच खूब मिठाइयाँ वंडिया गई, खुशी मनाई गई,
कई जगह टोल वगैरह भी लोगों ने खुशी दे नाल वोटर्स ने किया, बहुत पसंदता खुशी जाहिर की। सो ये चीज़ा ने कि जड़िया के लोग समझते हैं कि जड़ा साडा आने वाले 5 साल जड़ा साडा साथ दे, जड़े लोगों के हित दे काम करे, उ साड़ी सही वोट का हकदार है। सो लोग ये चीज़ा नू मैनू लगता जरूर मोर लगाएंगे, और मैनू पूरी उम्मीद है कि आने वाली सरकार जड़ी है कांग्रेस की बनेगी पंजाब दे विच, और सरदार चरणजीत सिंह चन्नी होरां दी अगवाई हेठ पंजाब सूबा खूब तरक्की करेगा। बॉर्डर एरिया की मैडम गल करते हैं तो इस समय जी काफ़ी ज़्यादा आम आदमी पार्टी वालों जो भरवा हुंगारा मिले, कुछ लोग भी इतने मौजूद ने, इन्हों को भी जान लेंगे, हालांकि ग्राउंड लैवल से भी काफ़ी असर देखने मिल रहा है जेडे पार्टी के कांग्रेस पार्टी शामिल हो रहे हैं। एक असी सुन रहे थे स्पीच, तुसी उतो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वालों एक टिकट जो तुसी डेरा बाबा नानक हलके की गल कर रहे थे, एलीगेशन तुसी लगा रहे थे, की गलबात तुसी उस बारे दसना चाहते हो कि आम जनता जड़ी है तुसी आम आदमी पार्टी छड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है, की कारण रहा और किदां कीती तुसी? बिल्कुल जी, जिहड़ी तुसी डेरा बाबा नानक तो गल की है, डेरा बाबा नानक दे विच इसे तरह ही सीगा कि तुसी जिहड़ा मैं लिखे उत्थे गल की सी उह बिल्कुल सच्चाई च आ, उह बिल्कुल सच्ची सुची गल आ कि इन्हां ने साडे कोलों पैसों की मंग की सी, असी जिन्ने पैसे दे सकते ही उन्ने पैसों की गल की, ज्वाइन करन दा भी यही कारण जो मैं स्टेज तो दस्या सी कि असी समझते सी कि आम पार्टी है तो असी आम पार्टी करके ही इन्हें ज्वाइन किया, तो जो इहदियां नीतियां का पता लग गया तो असी इस पार्टी को छड्ड दिता। सो ये आम आदमी पार्टी के जिहड़े डेरा बाबा नानक तो उम्मीद रखते सी कि टिकट की उम्मीद कर रहे सी नाल दे नाल, और हालांकि कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली है और आरोप भी लगातार पार्टी के उपर लगाए ने हाईकमांड के उपर कि आम आदमी पार्टी वालों जी है पैसे का लालच दे के जड़ा टिकटों की जी वंड जी की गई है, तो इन्होंने उस चीज़ को वेखते हुए जड़ा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सो ये जी स्पैशल रिपोर्ट सी कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी जो कि इस समय पिंडा दा डोर टू डोर जड़ा प्रचार कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, और ग्राउंड लैवल से जड़ा कांग्रेस पार्टी नू एक भरवा हुंगारा जड़ा वो देखने को मिल रहा है। कैमरा परसन मनवीर सिंह करण दे नाल रोहित महाजन, दैनिक सवेरा टीवी लई दीनानगर। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, टीजा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान एक ही बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जां दुटोना, मनमोहणी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।